बिहार में क्रिकेट की बदहाली का मंजर शायद अब कम हो जाए। बिहार में क्रिकेट की खराब हालात की वजह से बिहार के टैलेंटेड प्लेयर्स दूसरे स्टेट से खेलने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम है भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी का। बिहार में क्रिकेट की बदहाली को देखते हुए धोनी को बिहार छोड़ झारखंड से क्रिकेट खेलना पड़ा। यही हाल सौरभ तिवारी का भी हुआ। फिलहाल ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियंस टीम का अहम हिस्सा है, वो भी बिहार से हटकर पड़ोसी राज्य झारखंड से खेलने को मजबूर है। ऐसे कई राम हैं जो या तो किसी और राज्य से खेलना शुरू कर दिए हैं, या फिर इस राज्य में क्रिकेट की बदहाली ने बिहार के उभर रहे क्रिकेट के इन सितारों को चमकने का मौका ही नहीं दिया। पिछले कुछ दशकों से लगातार विवादों में रहने वाला बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अब बिहार क्रिकेट और वहां के खिलाड़ियों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और जल्द ही यानी कि इसी साल मार्च में आईपीएल के तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन करने वाला है। सबसे बड़ी बात कि बीसीसीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अंतर्गत इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की बात करें, इसमें चार टीमें भाग लेगी और मेंटोर के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के शानदार क्रिकेटर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या और तिलक रत्न दिलसा, भारत के तेज गेंदबाज आरपी सिंह और वेंकटेश प्रसाद, वहीं न्यूजीलैंड के डैनी मॉरिसन बतौर मेंटोर इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाले हैं, जिससे यहाँ के युवा क्रिकेटर्स को काफी मदद मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में इस राज्य की 5 फ्रेंचाइजी टीमें आईपीएल के तर्ज पर आपस में भिड़ने वाली है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सी होगी ये 5 टीमें। सबसे पहली टीम पटना पायलट्स होगी, वहीं दूसरी आरा एवेंजर्स, तीसरी भागलपुर वुल्व्स, चौथी दरभंगा डायमंड्स और वहीं 5वीं टीम के तौर पर गया ग्लेडियर्स होगी। इससे पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनको बड़ा मंच देने के लिए इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 27 फरवरी को होगी। वहीं ये टूर्नामेंट 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल मिलाकर 13 मैच खेले जाएंगे, 10 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मुकाबला। इस मैच का टेलीकास्ट भी एक ग्लोबल स्पोर्ट्स चैनल पर होगा, लेकिन अभी तक इस चैनल के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। उम्मीद है मार्च में होने वाला है टूर्नामेंट इस राज्य में फिर से क्रिकेट लाएगा और देश को बेहतरीन खिलाड़ी देगा। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और भी बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए NKP Sports YouTube चैनल।